क्या देख रही हूँ मैं? दासी रो रही है। आज इसके गाल बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े गुस्से में है और रो भी रही है। ए दासी, दासी, अरे सुनो ना दासी, ए दासी, अरे दासी, क्या हुआ? अरे बोल भी नहीं। देखो ना, आज हम सब बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है, लेकिन मेरी दासी तुम इस तरह बाल बिखेरे हुए यहाँ पर मेरे पास आई हो, आखिरकार कारण क्या है? हमें सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? रो रही तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? लड़ाई नहीं हुई, क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों आज बुता महारानी जी? दासी, ऐसा लग रहा है कि जो छोटी महारानी का लड़का है लक्ष्मण, उसने तुमको कुछ कह दिया, क्योंकि तुम्हें वो कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाता रहता है। उसी ने लगता है तुम्हें कुछ कह दिया। आखिरकार यदि आप अपनी सौगंध रखा रही हैं, तो बताती हूँ महारानी। बोलो बोलो। अवधपुरी में 14 दिन से मची है धूम, हो रहा राज्य तिलक राम का, तुम्हें नहीं मालूम। महारानी जी, जिसका होगा कल राज तिलक, और मर्तुवा बुलंद उसी का है। ओ राजा जी जिसे चाहते हैं, ओ रानी जी फंदे उसका। महारानी जी, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। वो बजते हैं जो नगाड़े आवाजों में इनके, महारानी जी खुल गए भाग कौशल्या के, और है दया उसी पर विधना। रानी जी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल ले जो तुझको प्राण समझते थे निसीबा
तेरी काटे महारानी जी। देखो कौशल्या के लड़का को रात तलक हो रहो और तमाम लड़का भरत वहां ना हो जा तो अरे महारानी जी अपनो अपनो सबको देखा अपनो अपनो सबको चाह कहे क्या कप्तान कही की बचाल तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए कुछ चौलिन कही मार डालूंगी ठहर जा रुक जा हर फोरनी कही की चल निकल यहां से मेरी नजर के सामने नहीं आना नहीं तो मार डालूंगी ऐसी बातें करने में तुझे शर्म नहीं आती तनिक भी लज्जा नहीं आती कुबड़ी कहीं की चल निकल यहां से चंडालिन ये किसने तेरी मत मारी है जो स्वच्छ रुई की फेरी को जो स्वच्छ रुई की ढेरी को ये बन कर आई चिंगारी एक बात अच्छी तरह से समझ ले अगर ऐसे वचन कहे ना तो मार डालूंगी अब के जो ऐसे ये वचन कहे तो सुन रही है ना तो ये मुंह तेरा नचवा लूंगी युवराज राम होगा जिस क्षण युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मैं मुँह मांगा युवराज राम होगा जिस क्षण पुरस्कार की बहुत भूख है ना तो मुख्य अनचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार भर ले अनचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार भर ले कल है त्योहार हमारे घर कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार ले तुझे पुरस्कार की बहुत भूख है दासी तू कहती है महारानी जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए लेकिन तू एक बात को नहीं जानती है प्रियवादिन सिख देने तो ही सपने तो पर कोप न हुई तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता लेकिन क्या करूं तुमने ऐसा कार्य किया है क्रोध करने का तेरे ऊपर मुझे क्रोध आ रहा है और वैसे राम जैसा पुत्र किसी माता को नहीं मिलेगा और ना ही कौशल्या जैसी माता किसी पुत्र को नहीं मिलेगी और ना ही सीता जैसी पतोहू किसी सास को मिलेगी ये बातें जानते हुए भी तू ऐसी बाणी बोल रही है सही कह रही अच्छा नहीं आती तुझको आपने दिया है मुझे हार महारानी जी आपने दिया है मुझे हार और आपके गले में भी है हार ओ महारानी जी आपके जीवन में है हार ही हार आपकी जिंदगी में भी हार है महारानी जी
ऐसो मारो, ऐसो मारो, खून ही डुल्लू लग।